हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। ये सेट ई का अभ्यास 3 है। इस प्रकार के 16 से 17 सेट है। सभी सेट में 10 से 12 अभ्यास है। इस प्रकार 7 से 8 हजार कुल क्वेश्चन है, जिसका मैं आपको डेली बेसिस से प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, अदर स्टेट की TGT PGT हो, MP TET हो, MP मुख्य परीक्षा यानी MP सुपर टेट हो, सभी का प्रिपरेशन, चाहे KVS NVS हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज एंड वन लाइनर क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज MCQs एंड प्रीवियस MCQs और डेली बेसिस में जो प्रैक्टिस करा रही हूँ, उन सब का डिटेल आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और सभी चीजें को विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए। यदि आपने अभी तक जो भी अध्ययन किया होगा उसका चेकआउट, आप अपना स्कोर चेक कीजिए आज के इस वीडियो में डेली बेसिस में मेरे साथ। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को महान बना सकता है, परफेक्ट बना सकता है। इसे डेली बेसिस पे अभ्यास कीजिए और अपने आप को चेकआउट कीजिए कहाँ पे गलती है, कहाँ पे सुधार करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में व्यवहार के विकास का अध्ययन निम्न में से किस विधि से किया जाता है। तो मनोविज्ञान में व्यवहार के विकास का अध्ययन विकासात्मक विधि से किया जाता है। नेक्स्ट है, तर्क यानी लॉजिक की क्रिया में पहला सोपान निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, तर्क करना, इसका पहला सोपान, जैसे कि इसमें कठिनाई की सभ्यता, पहला सोपान कौन हो जाएगा, कठिनाई की स्थापना पहला सोपान होगा। अगर किसी चीज को करने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप उसमें अपना बुद्धि लगाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं, ये आपका पहला सोपान होता है। मूल्यांकन लास्ट सोपान होता है। नेक्स्ट, रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग में अंतिम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्रिएटिव थिंकिंग अंतिम सोपान हमेशा इन्वेस्टिगेशन ही होता है, जांच करना होता है। ठीक है, अंतिम सोपान जांच करना होता है। घ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग में पहली अवस्था कौन सी है। लास्ट अवस्था तो आपका इन्वेस्टिगेशन है, जांच है। तो पहली अवस्था कौन है, तथ्य संग्रह, तथ्यों का संग्रह करना, ये पहली अवस्था है। लास्ट अवस्था क्या है, जांच यानी इन्वेस्टिगेशन है। नेक्स्ट है, संप्रतियों के निर्माण में बालकों और पशुओं पर प्रयोग निम्न में से किसने किया। तो इस पे किया PE फील्ड ने। नेक्स्ट है, हाइब्रिडर ने चिंतन पर अपने प्रयोगों में निम्न में से किस विधि को अपनाया। तो इन्होंने स्मरण विधि को अपनाया। नेक्स्ट है, संप्रत्यय निर्माण संबंधी प्रयोग निम्न में से किस विधि से किए जाते हैं। संप्रत्यय जो बाल्यावस्था में संप्रत्यय निर्माण होता है, तो इसका संप्रत्यय निर्माण संबंधी प्रयोग निम्न में से किस विधि से किए जाते हैं। तो वर्गीकरण विधि और स्मरण विधि, दोनों विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विज्ञान और गणित में चिंतन निम्न से किसके बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों, विज्ञान और गणित का अध्ययन चिन्ह और सूत्र के बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक कालीन ओलंपिक के पितामह का पूरा नाम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय इनका आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहे जाते हैं, बैरन पियरे डी कुबर्डिन। और बैरन पियरे डी कुबर्डिन का पूरा नाम क्या है, तो चार्ल्स पियरे डी फ्रेडी बैरन डी कुबर्डिन इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों, धावन पथ में स्ट्रैगर निकालने का सूत्र क्या है। तो धावन पथ में स्ट्रैगर निकालने का सूत्र है दोस्तों,
400 मीटर यानी कि जो स्टैंडर्ड ट्रैक की जो दूरी होती है, माप होती है 400 मीटर होती है। इसका निकालने का सूत्र है स्ट्रेगर निकालने का, डब्लू एन माइनस वन माइनस टेन टू पाई। वहीं पे हाफ स्ट्रेगर का पूछेगा, ये फुल स्ट्रेगर का है 400 मीटर का। अब हाफ स्ट्रेगर 200 मीटर का पूछेगा स्ट्रेगर निकालने का सूत्र, तो सेम इसी तरह रहेगा, डब्लू एन माइनस वन माइनस टेन टू पाई की जगह पर ओनली पाई रहेगा। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई निकालने का सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड ट्रैक की जो 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक बोला जाता है, इसकी लंबाई निकालने का सूत्र है 2 r + nw + स्ट्रेट। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है 2 r + nw, बस स्ट्रेट नहीं रहेगा, और लंबाई निकालने का सूत्र होगा 2 r + nw + स्ट्रेट। नेक्स्ट है बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण माला यानी टेस्ट हाउस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर घ आपका सही नहीं है और सभी सही है। सही क्या क्या है कि यह मानसिक क्षमता का एक वैयक्तिक माप है, इसका उपयोग 2.5 साल से 12.5 साल के बच्चों की बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को काफी नियंत्रित करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों बुद्धि परीक्षा को सबसे पहले अल्बर्ट विने ने 1905 में बनाया था और इन्होंने वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। कौन सा बुद्धि परीक्षण का, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत निर्माण किया था अल्बर्ट विने ने। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि आर्मी अल्फा परीक्षण यह वैयक्तिक परीक्षण का उदाहरण नहीं है। आर्मी अल्फा परीक्षण है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण का एग्जाम्पल है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफिसर्स के लिए, आर्मी बीटा टेस्ट सैनिकों के लिए होता है। उसके अलावा इसे वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है आपका क हो गया। और कौन है उदाहरण, यह घन रचना परीक्षण है, पास अलग परीक्षण है, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको छाटना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आसन है सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया गया, राइट है। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहां पे बनाया गया, विश्व युद्ध में बनाया गया, सैनिकों की मानसिक योग्यता को मापने के लिए बनाया गया था, ये राइट है। एंड सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन द्वारा विकसित किया गया, ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि बीने और साइमन ने, बीने ने व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण को बनाया था, न कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण को। तो यहाँ पे राइट आंसर तो आपका यही हो जाएगा ख, उसके अलावा ये सही नहीं है। ठीक है, छाटना था आपको सही क्या चीज है, पहला सही है आपका और ग आपका है सामूहिक बुद्धि परीक्षण कम से कम समय में निष्पादित की जा सकती है। एंड आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण का भाग है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफिसर्स के लिए, आर्मी बीटा टेस्ट सैनिकों के लिए। दोस्तों बुद्धि से क्वेश्चन आपका एमपी टेट में आया हुआ था, जैसा कि इसमें पूछ लिया गया था कि थार्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार में बांटे हैं। तो इन्होंने, थार्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार में बांटे हैं, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट, कॉन्करेंट इंटेलिजेंट, इसको पूछा था, जैसा कि मैंने इसको कई वीडियो में बताया भी है।
नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए। तो जैसा आप सबको पता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया यूनान के यानी ग्रीस के ओलंपिया नगर में होता था 776 ईसा पूर्व में। प्राचीन ओलंपिक खेल आरंभ हुआ था और यह 776 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए 1200 वर्षों तक। और क्या हुआ, 394 में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने राज्य आदेश द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया, इस पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेलों का सूत्राधार कौन सा देश है। आप सबको पता है वह है यूनान देश। नेक्स्ट है चपटी अस्थियां शरीर के किन भाग में पाई जाती हैं। तो दोस्तों चपटी अस्थियां हमारे खोपड़ी में पाई जाती हैं। आकार और आकृति के आधार पर हड्डियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिस्मोइड बोन। लॉन्ग बोन हमारे हाथ पैरों में पाई जाती है, जैसे ह्यूमरस, टिबिया, फुबुला आदि। एंड शॉर्ट बोन हमारे जोड़ों पर, जैसे कि हमारे कार्पस, टार्सस, कलाई और ठखने का जोड़ हो गया। एंड लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, फ्लैट बोन जहाँ पे सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे हमारी खोपड़ी को ढके रहती है, खोपड़ी की मस्तिष्क को ढके रहती है खोपड़ी की हड्डी, जैसे कि हमारे सिर में मस्तिष्क में पाई जाती है, आपका खोपड़ी में पाई जाती है शॉर्ट चपटी अस्थियां फ्लैट बोन। एंड उसके बाद होता है आपका इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन होता है हमारे चेहरे और रीढ़ की हड्डी में ज्यादातर। एंड एक होता है सिस्मोइड बोन जो हमारे जोड़ों के आसपास, कंडरा के आसपास पाई जाती है, जैसे हमारे पटेला हो गया आदि। तो यहाँ पे चपटी अस्थियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है ये पूछा है, तो टांग और बाजू में तो नहीं पाई जाती, इसमें लॉन्ग बोन पाया जाता है। चेहरे और पीठ में तो इरेगुलर बोन अनियमित अस्थि पाई जाती है, पेट व कुल्ले में भी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चपटी अस्थियां पाई जाती है खोपड़ी में। नेक्स्ट है शरीर में पाए जाने वाले व्यर्थ पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है। तो सबसे इस ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। व्यर्थ पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03%, लेकिन वायु श्वसन में वापस आता है 4.04%। नेक्स्ट है हृदय के ऊपर बाएं कक्ष को निम्न में से क्या पुकारते हैं। जैसे कि हृदय के 4 कक्ष होते हैं, ऊपर के 2 कक्ष अलिंद, नीचे के 2 कक्ष निलय। एंड तो ऊपर की बात हो रहा है तो अलिंद ही होगा, तो बाएं कक्ष की बात कर रहा है तो बाएं निलय होगा, बाएं अलिंद होगा, तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। तो आपका यहाँ पे क आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय के निचले दाएं कक्ष को निम्न में से पुकारते हैं। तो हृदय के निचले दाएं कक्ष की बात कर रहा है, तो निचले दाएं कक्ष को क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाया निलय, राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में हवा का पहला मार्ग बनाने वाली नलिकाएं निम्न है। तो इस ऑप्शन में दोस्तों जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, यह पहला मार्ग बनाती है, और यही ट्रैकिया जो है आगे चल के फेफड़ों में बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसके ब्रांचिओलिस कहते हैं। यही ब्रांचिओलिस बहुत सारे गुच्छों में परिवर्तित हो जाती है लास्ट में जाकर के, तो उसको एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है, जब दाएं निलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के रास्ते फेफड़ों में आता है तो एल्वियोलाई के पास जाता है। वही एल्वियोलाई अशुद्ध रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और रक्त जो है, रक्त का जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को ले लेता है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचा दिया जाता है, और बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त को बाएं निलय में पहुंचाया जाता है, और बाएं निलय से शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, और महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में
कोशिकाओं तक रक्त शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है, जिससे कोशिकाओं में जाकर के जो ऑक्सीजन होता है वहां पे कोशिकीय श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संपन्न होता है, और जहां पे वहां पे जाकर के जो ग्लूकोज होता है, जो हम भोजन लिए रहते हैं, उसका ऑक्सीजन के द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, एटीपी बनता है, और वह एटीपी हमारे शरीर को जिस जगह को जहां जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां वहां आपूर्ति करता है ऊर्जा का। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट है रेक्टस एब्डोमिनस नाम निम्न अंग की मांसपेशी होती है। तो दोस्तों जो पेट की सीधी मांसपेशी होती है वो रेक्टस मांस एब्डोमिनस मांसपेशी होती है। नेक्स्ट है उत्सर्जन क्रिया के, नेक्स्ट है उत्सर्जन क्रिया निम्न अंग द्वारा परिभाषित होती है। जो उत्सर्जन क्रिया है तो दोस्तों उत्सर्जन तो गुर्दा के द्वारा यानी किडनी के द्वारा, लीवर के द्वारा, त्वचा के द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे गुर्दा और लीवर होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर घ क ख दोनों राइट होगा। क्योंकि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है लीवर, उसके बाद रक्त जो है फिल्ट्रेशन होता है, छाना जाता है गुर्दा यानी किडनी में, और छानने के बाद जो सही चीजें होती है ग्लूकोज एंड जो भी हमारे शरीर को लाभदायक चीजें होती है वह धमनी हमारे शरीर को जाता है, और जो खराब पदार्थ होते हैं वह ग्लोमेरुलस के द्वारा जो गोमेंस कैप्सूल होता है उसके द्वारा छन जाता है, और वह जो छना हुआ खराब पदार्थ होता है वह मूत्र कहलाता है और वह फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्सर्जन का कार्य करते हैं सभी। नेक्स्ट है सोलियस मांसपेशी निम्न गति में सहायक होती है। दोस्तों सोलियस मांसपेशी जो एड़ी से ऊपर जो पैर के पीछे एड़ी से होते हुए गैस्ट्रो निवियस तक जाती है वो होती है सोलियस मांसपेशी। ज्यादातर जब हमारे पैर में क्रैम्प होता है तो ज्यादातर सोलियस मांसपेशी ही दर्द करती है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन। तो सोलियस मांसपेशी निम्न गति में सहायक होती है, किसमें? प्लांटर फ्लेक्शन, क्योंकि दोस्तों आपको देखना है कि रोटेशन ज्यादातर हमारे कंधे में होता है, एब्डक्शन कंधे को ऊपर उठाना, एक्सटेंशन मतलब फैलाना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है न्यूटन के नियमों की को पेशीय कार्य में प्रयुक्त कर बल के समानांतर चतुर्भुज के महत्व पर जोर देने वाले निम्न हैं, तो वो कौन है? रास और वर्ग। नेक्स्ट है द डिसेंट ऑफ मैन के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता निम्न को स्वीकार किया गया है, तो आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता, इसमें दोस्तों आपका राइट दिया है, किसी एक का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, तो आपका घ ऑप्शन सही दिया है, यानी उपरोक्त सभी। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता जॉन हगलिंगस, जैक्सन, चार्ल्स डार्विन, जॉन लॉक, इस सभी को माना गया है। नेक्स्ट है कार्य की दक्षता और शरीर यांत्रिकी के क्षेत्र में मानवीय मोटर नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं एनसन रॉबिन्सन, एनसन रॉबिन्सन। कार्य की क्षमता और शरीर यांत्रिकी के क्षेत्र में मानवीय मोटर नामक पुस्तक के लेखक हैं एनसन रॉबिन्सन। नेक्स्ट है व्यवहारिक स्तर पर गति विज्ञान एक व्यावसायिक साधन है जिसे केवल एक कुशल कलापूर्ण चिकित्सक ही प्रभावशाली ढंग से
प्रयोग कर सकता है जो मूल विषय वस्तु का माहिर हो। निम्नलिखित कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों रास एवं वर्क का। नेक्स्ट है कि उच्च तंत्रिका केंद्रों में गति ही प्रतिनिधित्व करती है न कि पेशियां। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जैक्सन और ब्रोवर का कि उच्च तंत्रिका केंद्रों में गति ही प्रतिनिधित्व करती है न कि पेशियां। यह कथन है जैक्सन तथा ब्रोवर का। नेक्स्ट है गति विज्ञान यानी किन्स काइनेटिक्स के अंतर्गत निम्न गतियां शामिल होती हैं? तो यहाँ पे तैरना, फेंकना, पकड़ना, खींचना और धकेलना ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट है स्कॉट ने स्पोर्ट्स एवं खेलों के शिक्षण में गति विज्ञान के सिद्धांतों के उपयोग निम्न विशिष्ट ढंग दिया है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि स्कॉट ने स्पोर्ट्स एवं खेलों के शिक्षण में गति विज्ञान के सिद्धांतों के उपयोग का कौन सा विशिष्ट ढंग दिया है? उन्होंने दिया है खेल के दौरान चोट से बचाव के लिए, आंतरिक यांत्रिकी का विश्लेषण के लिए, गतिविधियों के प्रभाव व महत्व का मूल्यांकन के लिए। उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर में कुल आपके अमीनो अम्ल 20 से 22 पाया जाता है। कितने पाया जाता है अमीनो अम्ल? 20 से 22 अमीनो अम्ल पाया जाता है, जिसमें से आवश्यक इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है उसको हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, और जो अनावश्यक होता है जो शरीर स्वयं निर्माण करता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल 9 पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की पूछा है, तो अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं 9 जो भोजन से प्राप्त होते हैं, अनावश्यक जो होते हैं 13, कुल 20 से 22 अमीनो एसिड होते हैं। तो जो 9 आवश्यक अमीनो अम्ल है जो भोजन से प्राप्त होते हैं उसमें है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनिन, फेलिन एलिन, थ्रोनाइन, वेलिन, ट्राफ्टोफॉन, हिस्टिडिन आदि है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए प्रोटीन वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं हेल्थ एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जा करके। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, जो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मानव शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो वह कितने पाए जाते हैं? तो 9 पाए जाते हैं, ठीक है। और अनावश्यक नॉन एसेंशियल जो होता है वह 13 होते हैं, जो शरीर स्वयं निर्माण करता है भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद या इसका क्रिया होता है। नेक्स्ट है एक श्वसन क्रिया प्रक्रिया कितने सेकेंड में पूरी होती है? तो दोस्तों एक श्वसन क्रिया जो है 5 सेकेंड में पूरा होता है। इस प्रकार एक मिनट में कम से कम 12 से 16 या 16 से 18 बार श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट है अगर 800 मीटर की दौड़ के लिए पूरे 800 मीटर लेन की प्रतिबद्धता हो यानी लेन बाउंडेशन हो तो स्ट्रेगर का सूत्र क्या होगा? तो यहां पे राइट हो जाएगा 4 × 1/2 स्ट्रेगर, 4 × 1/2 स्ट्रेगर। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय धड़कन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इस प्रकार एक मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम संबंधी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, तो यह इकट्ठी होती है डीएनए में, जिससे जीन का निर्माण होता है और जीन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक
अनुवांशिक सूचनाएं स्थानांतरित होती हैं। नेक्स्ट है डेल्टॉइड मांसपेशियां किस भाग में पाई जाती हैं? तो डेल्टॉइड मसल्स जो होता है जिसे लिफ्टर मसल्स भी बोलते हैं, यह कंधों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? कंधों में। नेक्स्ट है पेक्टोरेलिस मेजर मांसपेशी शरीर में किस स्थान पर होती है? पेक्टोरेलिस मेजर मांसपेशी जो है वक्ष में होती है। तो यहाँ वक्ष नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? वक्ष पर श्वसन तंत्र फेफड़ा होता है, यहाँ पे श्वसन तंत्र राइट हो जाएगा। को आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन घुमा के पूछे तो भी आपका दिमाग लगा लेना है। तो वक्ष में होती है तो वक्ष में आपका श्वसन तंत्र राइट हो जाएगा। और पेक्टोरेलिस मेजर मांसपेशी को थ्रोअर मसल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फेफड़े निम्न में से किस प्रणाली के तंत्र है? तो आप सबको पता है, इजी क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र रिस्पायरेशन सिस्टम का भाग है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो सबसे लंबी और सबसे भारी अस्थि है जांघ की फीमर हड्डी। नेक्स्ट है शरीर को की सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 48 सेंटीमीटर। कितनी होती है फीमर की लंबाई? 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अप्राचलिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो अप्राचलिक परीक्षण जो है वर्णन और अनुमान के लिए प्रचलित है। तो दोस्तों ये था 45 क्वेश्चंस आज का जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ डेली बेसिस पे। जो भी समस्या होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।